ऐसे नोट जो चलेंगे नहीं, जो रिजेक्ट हो चुके हैं। कई नोट तो ऐसे भी निकल आते हैं दान पात्रों में, जो एक का सिक्का बाजार में नहीं चलता। चलो दान भी हो गया, काम भी हो गया और नाम भी हो गया। ऐसा दान देने के बाद हम सोचें परमात्मा हमें बढ़िया दे। अरे ये दुनिया गोल है, जो दोगे तुम्हारे पास लौटकर वही वापिस आने वाला है। अब धन्ना ने कहा बैठ जाओ, बिठा दिया, ज्वार ली, अंजलि भर करके दे दी। संता ने कहा अनंत हो, दूसरे को दी, उसने भी कहा अनंत हो, अनंत हो, तीसरे को भी दी और चौथे को भी दे दी। अब ज्वार होगी खत्म। अब ज्वार खत्म होने के बाद वो संत कहने लगे अच्छा अब हम चलते हैं। अब कहता ये गली का रास्ता, उन्हें सोचा कि इधर से ना निकल जाए, कहीं मेरे घर पहुंच जाए और कह दे हमें तो ज्वार मिली है तुम्हारे धन्ना से। कहता आप इस रास्ते से चले जाओ। अच्छा जी, चला गया। अब धन्ना ने देखा आ तो नहीं रही। अब चादर झाड़ी और चादर उठाई उसने, और उठाने के बाद झूठी मुट्ठी की गांठ लगा ली कि इसके अंदर अगर पीछे से आ जाएगी तो मैं कह दूंगा हाँ ज्वार मेरे पास ही है, थोड़ी थोड़ी गिर गई होगी, ऐसे कह दूंगा। ऐसे लपेटी उसने चादर, बगल में दबाई और चल दिया खेतों में। अब खेतों में जाने के बाद अगर किसी पड़ोसी से पूछ लिया कि इसने फसल बोई थी या नहीं बोई, अरे नाटक तो पूरा कर लूं। अब नाटक करने के लिए खेतों में गया, जमीन में हल जोतना शुरू कर दिया कि पड़ोसियों से पूछेगी तो कह तो देंगे हाँ धन्ना हल जोत रहा था। अब उसने हल भी जोत लिया। अब बीज बोने का नंबर आया, बीज तो था ही नहीं उसके पास, पर बीज के लिए उसने क्या करा, जो हल जोतने पर कंकर इकट्ठे हुए थे ना, अब उसने कंकर उठा लिए और कंकर उठाकर कहते मालिक तेरी मर्जी, मैंने तो यही डाल दिए। पड़ोसी ये तो कह देंगे हाँ इसने बोया तो था, मैं ये तो कह दूंगा देख वो खड़ा था, मैं अपनी साक्षी बना दूंगा, अब इन्हें क्या पता मैं क्या फेंक रहा हूं। अब उसने उठाए कंकर और यूं करके खेतों में दिए फेंक, और फेंकने के बाद जब ये सब बट गया, ये सब हो गया और होने के बाद धन्ना चुपचाप दमे पाम आ गया। अगले दिन पानी देने जाता है। कुछ दिन गुजर गए, पड़ोसी आकर के धन्ना की जातनी को कहते हैं अरे तुम्हारा खेत तो ऐसा लहलहारा, पता नहीं धन्ना ने ऐसा क्या बीज बोया, कैसी खाद डाली, हमारी फसल तो छोटी है, तुम्हारे खेत तो लहलहारे हैं। अच्छा, बहुत खुश हुई और जाकर के जाट धन्ना को कहने लगी जी आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत मेहनत करी, पर आप घर में सो मत, वहां जाओ खेतों में जाकर के चौकसी तो करनी पड़ेगी। उसने कहा कौन सी चौकसी करूं, मैंने तो बीज बोया ही नहीं, मैंने तो पत्थर बोए हैं, कंकर बोए हैं, कंकर पे भी कोई फसल उगती है। अब बेचारा कहा तो कुछ नहीं कि अगर कह दिया तो अभी नाटक सारा खत्म हो जाएगा। अब इस तरह से वो धन्ना को उसने दिया भेज, खेल तेरे के सब देते हैं अच्छे के साथ जे, तज कर भजन खेत में चालो मत ना करो मजाक जे, धन्ना मन में घबराना बोली धन्ना की जातनी बड़ी सीखो खेत कमाना, बोली धन्ना की जातनी देख जोर को राजे आगे धन धन देख ज्वार का राजे आगे धन धन मेरे प्राण, कहे सुने के माफी दे लो मत ना करना रोशन ते, कहे सुने के माफी दे लो संतों को नित घर लाना, बोली धन्ना की जातनी पट सीखा खेत कमाना, बोली धन्ना की जातनी। धन्ना ने कहा कौन सी फसल की बात कर रही है, मैंने तो कंकर बोए थे, ज्वार तो मैंने संतों को दे दी। अरे मजाक कर रहे हो जी, तुसी बड़े मजाकिया हो, ऐसा मजाक नहीं करा कर दे। ना ना, सब पड़ोसी कह रहे हैं जी बहुत अच्छी फसल हुई है। उसने कहा ये फसल कहाँ से आ गई, मैंने तो पत्थर बोए थे। अब ऐसे में कहने लगा धन्ना हे भगवान जी का जंजाल और बो दिया तूने मेरे को, खेत ना होता मैं आराम से तेरा नाम लेता, अब तो आंख खोल करके जागना पड़ेगा और चौकसी करनी पड़ेगी, चारों तरफ फेरा भी लगाना पड़ेगा कि कोई मेरी फसल को तोड़ तो नहीं रहा, खराब तो नहीं कर रहा। धन्ना हरे से कहने
रचदी खाना पाले सेती ने तो में दिखाना बोली धना की चाटनी पति सीखा के तक माना की चाटनी। अब धन्ना ने कहा है परमात्मा ये क्या उल्टा काम कर दिया, अब तेरी भक्ति कैसे करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा या चौकसी करूंगा। अरे इससे अच्छा तो तुम्बे लगा देता, मेरा घर कौन सा इतना बड़ा है जो सारा गेहूं अपने घर में रख लूंगा। अरे बस धन्ना ने हाथ जोड़े आंख खोली तो सारे खेत में तुम्बे तुम्बे नजर आने लगे। अब इतने में आ गई जाटनी, अब वो धन्ना की जाटनी कहती अब समझ आई मेरे को, जवार के नाम पर संतों के लिए फसल बोई थी सारे तुम्बे बो दिए क्योंकि तुम्बों का साधु लोग कमंडल बनाते हैं। अरे तूने साधुओं के लिए ये सारी फसल करी थी अब मुझे समझ आई तेरे को। तुम्बे देख क्रांडन भरे गए अब क्या यत्न बनाए, तुम्बे देख क्रांडन भरे गए अब क्या यत्न सारे खेत में तुम्बे बो दे ज्वार कहाँ सारे खेत में तो मैं माने ज्वार कहाँ से यो देने लगे उलाना बोली धन्ना की जाटनी पति सीखा खेत कमाना बोली धन्ना की जाटनी। और धमकी दे दी धन्ना की जाटनी कहने लगी बस अब समझ आ गई करते क्या हो तुम, बस अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। ये औरतों की बहुत बड़ी धमकी होती है, जाना भी कहीं नहीं। मैं हे भगवान इससे अच्छा तो ये हो जाता मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकती। अब उसने भी ये कह दिया, अब कहने लगी कांत पीस कर गुजर करांगे ना तेरे को चाहते हैं, कांत पीस कर गुजर करांगे ना तेरे को कोई जल में पड़ के मर जा ये हीरा जमनाते हैं, कोई जल में पड़ के मर जा ये हीरा जमनाते हैं, वाणी का वान चलाना बोली धन्ना की जाटनी पति सीखो खेत कमाना बोली धन्ना की जाटनी। ये तो अच्छा हुआ पुराना जमाना था, धन्ना की जाटनी कहती मैं चक्की पीस लूंगी चरखा काट लूंगी, पर आजकल तो ना चरखा रहा ना चक्की रही, दोनों कहानियां खत्म हो गई और ना कुएं रहे कि पढ़ करके आदमी मर जाए। अब उसने कहा मैं काट पीस कर गुजारा कर लूंगी, कुएं घेरे में गिर जाऊंगी पर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। अब इतने में साधु नजर आ गए, अब धन्ना ने देखा हे भगवान जी पीछे मुड़ जाए, हे भगवान जी पीछे मुड़ जाए, पर धन्ना की जाटनी की आंखें दो आंखें नहीं उसके तो पीछे भी आंखें थी। अब उसने देखा संतों को आए राम, अब समझ आई इसने तुम्बे इन्हीं के लिए बोए थे और ये तुम्बे लेने आए हैं। अब उसने उतारा तुम्बा, गुस्सा तो आया हुआ था यूं उठाया और यूं निशाना लगाया, बॉलिंग फिट बैठ गई और बैठने के साथ वो तुम्बा साधुओं के सिर पे जाकर लग गया और बेचारों की अभी अभी मुंडन हुए थे अब सिर पे लगे और वो तो बेचारे भागने लगे। अब जब वो भागे पर जाटनी ने क्या देखा, पिट पिट मोड़े भागन लागे खा कर खा के लगे पड़े, पिट पिट मोड़े भागन लागे खा कर खा के लगे पड़े, पिटन से पीछा नहीं चिता जा घर में वो लगे बड़ा यह मुश्किल प्राण बचाना बोली धन्ना की जाटनी पति सीखो खेत कमाना बोली धन्ना की जाटनी। पेचन छाड़ा मोड़ा कार ही जाटनी गल पड़े, पेचन छाड़ा मोड़ा कार ही जाटनी गल पड़े, मोड़ा खातिर तो मैं मार फोटे तो मैं झर झरे, मोड़ा के सर तो मैं मारे फोटे तो मैं ज्वार जड़े, फिर मन मन में पछताना बोली धन्ना की जाटनी पति सीखा खेत कमाना
बोली धन्ना की जाटनी। अब गुस्से में आकर जाटनी ने देखा, अरे ये साधु जिनके लिए तुम बे बोया इस मेरे जाटनी, अब देखती हूँ क्या करते हैं। उठाया तुम्बा और यूं निशाना लगाया, निशाना जाकर लग गया, तुम्बा फूटा और फूटने के साथ बिल्कुल साफ सुथरी ज्वार नीचे गिर रही है। जब ज्वार को देखा है, ये क्या, अब जब ज्वार को देखा, धन्ना ने जब तोंबा फोड़ा देख रहे थे नार जी, धन्ना ने जब तोंबा फोड़ा देख रहे थे नार जी, एक तोंबे में छड़ी पछाड़ी ज्वार भरे सिर चार जी, नख नारे आनंद पाना बोली धन्ना की जाटनी, पति सीखो खेत कमाना बोली धन्ना की जाटनी। जाट जाटनी तांबे ढाए लादिया घर में ढेर जी, जाट जाटनी तांबे ढाए लादिया घर में, कहे जाटनी राजी हाँ पति रसो नाना फेर जी, कहे जाटनी राजी हाँ पति रसो नाना फेर जी, मैंने प्राण निभाना बोली धन्ना के जाटनी, पति सीखो खेत कमाना बोली धन्ना की जाटनी। जब देखा जाटनी ने, अरे तुम्बा नीचे तुम्बे में से ज्वार गिर रही है, तब तो सारा गुस्सा गायब, और गायब होने के साथ, जी ये क्या करा आपने, जी ये क्या चमत्कार हो गया। कहता चमत्कार कुछ नहीं हुआ, नाटक मत कर तुम बैठ जा टिकट। अब उसने एक तुम्बा उठाया और तोड़ कर देखा, पूरी चार शेर एक तुम्बे के अंदर ज्वार निकली। उसने कहा मालिक तो कितना मेहरबान है, मैंने तो सोचा था ये ज्वार मैं कहाँ रखूँगा, तूने मेरी हिफाजत के लिए उनके घर भी बना दिए। अब उन दोनों ने वो तुम्बे ढोए घर पर, ज्वार को बेचा, ज्वार चार शेर दी थी, जब उस ज्वार को बेचा तो उस सीजन में 4 लाख, उस जमाने में जब गिनती के लोग लखपति हुआ करते थे, ऐसे वक्त में 4 लाख कमा लिए। जाटनी कहने लगी, धन्ना के पाम पकड़ लिए, जितना नाटक नारी कर सकती है कोई नहीं कर सकता, उसने अब तो पाम पकड़ लिए, ओ धन धन मेरे प्राणपति, बस आज के वक्त गुस्सा नहीं करूंगी, अब तो रोज साधुओं को लाना, रोज रोज सेवा करूंगी, जो कहोगे, हलवा कहोगे ना तो हलवा बना दूंगी, खीर कहोगे तो खीर बना दूंगी, पूरी कहोगे तो पूरी बनाऊंगी, जो कहोगे रोज दावत दूंगी, रोज रोज संतों को लेकर आना। वो कहने लगा, रे बोली संतों को लोभ से खिलाएगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, भाव से रूखे चने भी दे देगी तो कल्याण हो जाएगा। शबरी ने झूठे बेर दिए थे, बिधुरनी ने केवल केले के छिलके दिए थे, केले भी नहीं दिए, केले तो फेंकती रही और छिलके खाते रहे श्री कृष्ण, और उसी छिलकों से ही उनका मन प्रसन्न हो गया। और जा विदुर ने आकर के कहा, विदुर नहीं पागल है, देख तू कर क्या रही है, जब देखा हो मैं छिलक खिलाती रही और वो तीन खंड के मालिक त्रिखंड अधिपति श्री कृष्ण वो छिलक खाते रहे और केले विदुर ने फेंकती रही। जब विदुर ने कहा, अरे पगली कर क्या रही है, तब श्री कृष्ण कहने लगे, विदुर जो स्वाद मुझे अपनी माँ देवकी की गोद में लगकर आया था, वो स्वाद मुझे इन छिलकों में आ गया था, मेरे 36 पकवान एक तरफ हैं, पर ये छिलकों का स्वाद तेरी नजर में ये छिलके थे, पर मैं तो विदुरने की भक्ति और भाव को चख रहा था। स्वाद वस्तु में नहीं होता, स्वाद आपके भावों में होता। कई बार लोग कोई चीज बहराएंगे, महाराज जी आपने कभी खाई है, खाकर देखना, उन्हें लगता हम तो दुनिया घूमे नहीं है, ये नहीं पता तुम्हारे से ज्यादा वैरायटियां पता होंगी हमें, क्योंकि हमने इतनी दुनिया को देखा होता, इतनी दुनिया में घूमे होते हैं। धन्ना की जाटनी कहने लगी, पर देता देवे भावना लेता करे संतोष, वीर कहे सन गोयमा
दोनों जासी मोक्ष मुहादाई मुहाजीवी दसवीं कालिक सूत्र के चौथे अध्याय के अंतिम लाइन में आती है। देने वाले का भी कल्याण है, लेने वाले का भी कल्याण है। देने वाला भावना से दे कि बस ले लो, ये तो लेने वाले का विवेक है कि उसे कितना लेना है। और देने के द्वारा तो कई बार व्यक्ति देव गतियों की यात्रा की ओर पहुंच जाता है। घड़ी भी कह रही है रुक जा, काले बादल भी कह रहे हैं कि इनको घर तो जाने दे क्योंकि मैंने सोचा था कि आज 10 बजे, पर रविवार को तो 10:15 पता नहीं कैसे बीच में बजे जाते हैं। भाई खुशीराम जी का भी धन्यवाद, आप मेरी बात को सुनकर, आपको कोई जरूरी ही काम होगा जो आप उठने लगे थे, वैसे आप ऐसे नहीं जाते, मैंने आपको रोका, उसके लिए मैं खिमत खिमाना करती हूँ। और आपने मेरी बात का मान रखा, मैं ऐसी ही उम्मीद करूंगी कि आप मेरी बात का मान इसी तरह से रखते रहे। अन्न का दान करा धन्ना ने, श्रोता करो विचार जी, ज्वार की बिक्री करी जाट ने, बाटे थे लख चार जी, 4 लाख कमा लिए। ये है सरल मार्ग, सहज मार्ग, जो गरीब से बीमार कर सकता, बीमार आदमी तप नहीं कर सकता। जब हाय हाय कर रहा हो ना, तब कैसे निकलेगा नमोरी हंतानंग, नहीं निकल सकता। पर हाथ से कुछ देना होगा वो तो दे सकता है। जब स्वस्थ हो भक्ति तभी होती है। लोग तो कहते हैं ना कि दुख में भगवान का नाम लेंगे, पर दुख में तो हाय के अलावा कुछ निकलता नहीं है। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवलिपन तौधमा मंगलम, चतारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहु लघुतमा, केवलिपन तौधमा लघुतमा, चतारी शरण पव जामि, अरिहंते शरण पव जामि, सिद्धे शरण पव जामि, साहु शरण किमलिपनतां धम्मं शरणं पवजामि। ये चार शरण आनंद हो मंगल।